तो आज है 12th of October और आज शाम को ही अपना मीटअप, मतलब मैंने जो सोचा था ना यार उससे कुछ अलग हो रहा है। सब्सक्राइबर्स हैं उनसे सिर्फ एक चिट चैट वाला एक मीटअप रखूंगा, लेकिन सब लोग पोस्ट देख के हम भी आ रहे हैं भाई क्रेजी। तो अच्छा, और बड़ा जो मीटअप होने वाला है वो थोड़े दिनों बाद होगा, बिकॉज जब प्ले बटन आएगा तब सेलिब्रेशन होगा। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मीटअप है, सेलिब्रेशन नहीं है भाई। इस पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आने वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा इससे नेक्स्ट वीडियो। तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो होने वाला है वो होगा मीटअप के बारे में, और अभी का जो व्लॉग होने वाला है वो है एक विंडशील्ड चेंज करवानी है मुझे, ये रखी है मेरे पास। यार इस विंडशील्ड के बारे में ना मैं कब से सोच के बैठा था, 1 साल पहले कि मैं मेरी बाइक में लगवाऊंगा, लेकिन कभी ऑर्डर कर ही नहीं पाया इसको। तो मैं वीडियो के एंड में आपको प्राइस बता दूंगा, अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप लोग ले सकते हो। वैसे तो ये मैंने जुगाड़ किया हुआ था, यामा SZR की विंडशील्ड थी। यार हैंड गार्ड टूट गया था, आप लोगों को पता हो तो एक वीडियो के अंदर, तो ये हैंड गार्ड भी मैं लगवा रहा हूँ इसको मैं। सो हे एवरीवन, आई एम लोकेश एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ करण मोटोमार्ट, वहीं पे ये सारा काम करवाऊंगा मैं, और आपको दिखाऊंगा कि क्या मेरी पुरानी वाली विंडशील्ड कैसी लग रही है और नई वाली विंडशील्ड कैसी लग रही है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये विंडशील्ड काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को पसंद आएगी। और आप अगर आप लोगों को ये विंडशील्ड खरीदनी है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो अमेजोन से। जब तक वेरिएशन नहीं होंगे ना तब तक कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा यार चलो बोर हो गया मैं इस वाली विंडशील्ड से और चेंज करेंगे। यार मेरे को एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मिला सब लोगों से, भाई बाइक कब चेंज कर रहे हो। लिटरली यार मैं बाइक चेंज करना चाहता हूँ और कौन नहीं करना चाहता बाइक यार चेंज। तो यार मेरे को है ना थोड़ा टाइम लगेगा बाइक चेंज करने में, क्योंकि मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अननेसेसरी कोई पैसा इन्वेस्ट हो जाए और उसका कुछ आउटपुट ना निकले। तो मैं इसी वजह से रुका हुआ हूँ अभी। एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं बाइक कौन सी ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ, जैसे थोड़े दिनों बाद सब पता लग जाएगा। थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो उसको, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ट्यूरिंग बाइक लेने वाला हूँ, 4 सिलेंडर लेने वाला हूँ, कुछ लेने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी जो किस्मत में होगी वो अपने आप आ जाएगी भाई। देखो नई बाइक का तो मेरा बिल्कुल भी बजट नहीं है, जैसे ही मेरा बजट बैठेगा सेकेंड हैंड बाइक का, मैं कोई अच्छी डील मुझे मिलती है तो मैं पक्का ले लूँगा। बाकी आप लोग करण मोटोमार्ट का एड्रेस तो जानते ही होंगे, यहाँ पे मालवीय नगर में जो इनकी शॉप है, रेडिंग गियर्स वगैरह और बाइक के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको सारे काम मिल जाएंगे। ये ग्लव्स इतने टाइट है ना, पहने ही जाते हैं मेरे से। पहन लेता हूँ तो मेरा कैमरा चालू नहीं कर पाऊँ, ओल्ड विंडशील्ड, और आज इसको लगवाएंगे अपन। तो चलो विंडशील्ड, मैं आपको साइड में रोक के एक बार दिखा देता हूँ पहले, फिर प्राइस वगैरह बताता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पुरानी वाली थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो ये है अपनी नई विंडशील्ड। देख लो कैसी लग रही है आप, और कमेंट करके मुझे बताना। तो अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, और हाँ हैंड गार्ड के लिए मैं बताना भूल गया, ये जो हैंड गार्ड हैं ये मेरे को KTM रामबाग ने अरेंज करके दिए थे, क्योंकि मेरा एक टूट गया था। तो बिग थैंक्स टू KTM रामबाग। तो अगर आप लोगों को ये हैंड गार्ड्स लेने तो आपको KTM वाले सर्विस सेंटर पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का, वहाँ से मैंने लिए थे पहले वाले। और जो विंडशील्ड है ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 1400, और जो हैंड गार्ड्स पड़े थे वो मुझे थे 1000 रुपीज़ के। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइड सेफ। क्या बता 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 नहीं वो स्टिकर्स की बात थी ना। देखिए क्वालिटी खराब हो गई ना, अब और अच्छी क्वालिटी के ला के दूंगा तेरे को, ठीक है? अच्छे से जाना, बाय।